स्वागत है, मैं हूँ ऋषभ द्विवेदी। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन कुछ डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो क्वेश्चन रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एक स्टेट और कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज में पहला क्वेश्चन है आदित्यपुरी। आदित्यपुरी कौन है? तो आदित्यपुरी HDFC बैंक के MD और CEO हैं। इन्हें अभी हाल ही में ईरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इसी वजह से आदित्यपुरी चर्चा में रहे थे। अगला क्वेश्चन है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह को हाल ही में राज्यसभा में उप सभापति के रूप में नियुक्त किया गया था और इनकी नियुक्ति दोबारा से की गई थी। इससे पहले भी यह राज्यसभा में उपसभापति थे। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, और भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। 15 सितंबर को हमने मनाया इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे को हर साल हम 15 सितंबर को मनाते हैं। नेशनल इंजीनियर्स डे को हमने 15 सितंबर को मनाया। योशिहिदे सुगा को जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, जिन्होंने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जो उनकी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्हीं को, योशिहिदे सुगा को, नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। बात इको सोक की है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। इसमें भारत को 4 सालों के लिए सदस्य के रूप में चुना गया है और इस रेस में भारत के साथ अफगानिस्तान और चीन भी थे, जिसमें भारत ने अफगानिस्तान और चीन को पीछे छोड़कर इसे 4 साल की सदस्यता हासिल कर ली है। मेरा परिवार मेरी जिंदगी अभियान शुरू किया था महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने कोरोना काल में अपने परिवार की देखभाल के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया है जिसका नाम है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, यानी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। 16 सितंबर को हमने मनाया है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस को हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है ताकि हम ओजोन की लेयर का जो क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए जागरूकता फैला सकें। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वह है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। SBI और टाइटन ने मिलकर एक कॉन्टैक्टलेस वॉच जिसका नाम है टाइटन पे लॉन्च की है। SBI ने और टाइटन एक वॉच कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर एक कॉन्टैक्टलेस वॉच है जिसका नाम है टाइटन पे, इसे लॉन्च किया है। इस वॉच के द्वारा आप अपने 2000 तक के पेमेंट बिना पिन डाले कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन को जो एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट है, अमेजन का जो एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट है उसमें आवाज़ देने के लिए चुना गया है। सिडबी ने MSME क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राजस्थान के साथ साझेदारी की है। सिडबी ने MSME क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राजस्थान के साथ साझेदारी की है। MSME मिनिस्टर कौन है? तो MSME मिनिस्टर है नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर महाराष्ट्र। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है, और इस वर्ष इसको जो थीम रखी गई है वह है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक। इस वर्ष इस आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई है और यह आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित हो गया, इसके अनुसार वेतन में कितनी % की कटौती की जाएगी? तो अभी कोरोना की वजह से सांसदों के वेतन में कटौती का एक बिल लोकसभा में पारित किया गया, और इस बिल के अनुसार अब सांसदों के वेतन में 1 साल तक 30% की कटौती की जाएगी। 30% की कटौती सांसदों के वेतन में की जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। यह कटौती 1 अप्रैल 2020 से 1 साल के लिए लागू होगी और इस विधेयक को 15 सितंबर 2020 को पारित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो अभी विश्व बांस दिवस को हमने अभी हाल ही में कब मनाया? तो 18 सितंबर को हमने विश्व बांस दिवस को मनाया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बैम्बू डे को हर साल हम 18 सितंबर को मनाते हैं। यह दिन बांस के फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
पहले बांस है वह है पेड़ की कैटेगरी में आता था, जिससे जो पर्यावरण के नियम हैं उसके अनुसार हम बांस को नहीं काट सकते थे, जिससे जो कई व्यापार हैं वह बहुत ही दिक्कत का सामना करते थे। इस वजह से अब बांस को घास की कैटेगरी में रख दिया गया है, जिस वजह से आप बांस को आसानी से काट सकते हैं और बांस का आप व्यापार कर सकते हैं। बात विश्व बांस संगठन की है तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बेल्जियम। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और जो विश्व बांस संगठन के जो कार्यकारी निदेशक हैं वह हैं सुजेन लुकास। सुजेन लुकास विश्व बांस संगठन के कार्यकारी निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस यानी इंटरनेशनल वर्ल्ड इक्वल पे डे, इसे हर साल हम 18 सितंबर को मनाते हैं। 18 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस को हमने पहली बार 15 नवंबर 2019 को जो 14वां सत्र हुआ था उसमें इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। बात संयुक्त राष्ट्र की है, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर था, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और 24 अक्टूबर को ही हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शंस पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक को अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। अरुंधति रॉय ने इस पुस्तक को लिखा है और यह पुस्तक पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है और यह एक नॉन फिक्शन बुक में निबंधों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत गुजरात के द्वारा की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। गुजरात में इस मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरुआत किया गया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। बात गुजरात की है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और जो गांधीनगर है वही गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला भी बनाता। गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी और यहाँ के जो गवर्नर है वह है आचार्य देवव्रत। गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में पहले स्थान पर रहा था और नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में भी गुजरात पहले स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जल निगरानी दिवस को हमने 18 सितंबर को मनाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। विश्व जल निगरानी दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस स्थानीय नदियों और नहरों अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी के लिए सभी उम्र के लोगों को एक साथ लाता है। इस वर्ष विश्व जल निगरानी दिवस की थीम है सॉल्व वाटर। सॉल्व वाटर इस वर्ष विश्व जल निगरानी दिवस की थीम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मार्गरेट एडवर्ड को। मार्गरेट एडवर्ड को 2020 के साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह है मार्गरेट एडवर्ड और इन्हीं को 2020 के डेटन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समाज को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में भारत की अध्यक्षता की है? तो अभी भारत के जो प्रेजेंट टाइम पे एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्हीं के द्वारा ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में भारत की अध्यक्षता की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। यह है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और इन्हीं ने ब्रिक्स की जो 10वीं वर्चुअली बैठक आयोजित हुई थी उसमें भारत की अध्यक्षता की है। ब्रिक्स की इस बार की अध्यक्षता रूस के पास है और ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की जो 2021 में मेजबानी करेगा वह है भारत। भारत 2021 में ब्रिक्स की जो बैठक होगी उसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो अभी SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया है मैक्सिको। मैक्सिको SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मैक्सिको ने SDG के लिए एक सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक सॉवरेन बॉन्ड जारी किया है और इस बॉन्ड के जरिए 700 मिलियन यूरो जुटाए गए हैं। बात मैक्सिको की है तो मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी मैक्सिको की कैपिटल है और मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिकन पीसो मैक्सिको की करेंसी है। मैक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया, वे कौन थे? तो अमिताभ घोष एक
आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये अमिताभ घोष आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे और है रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं और यह आरबीआई के 16वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। इन्होंने 1985 में 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। बात भारतीय रिजर्व बैंक की है तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। जो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है वह शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे 25वें नंबर के गवर्नर है। जो शक्तिकांत दास हैं उन्हें एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बैंकर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर भारत में पहले स्थान पर रहा है? तो अभी आईएमडी ने एक स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया है और इस रैंकिंग में भारत का जो टॉप शहर है वह है हैदराबाद। हैदराबाद भारत का जो टॉप शहर है हैदराबाद वह इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हैदराबाद स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है और अगर हैदराबाद की ओवरऑल वर्ल्ड में रैंकिंग देखें तो हैदराबाद की ओवरऑल वर्ल्ड में रैंकिंग है 85वें यानी 85th और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर जो सिटी रही है वह है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर इसके बाद हेलसिंकी और ज्यूरिक रहे हैं। स्टेट में आज हम झारखंड को डिस्कस करेंगे। यह है मैप में झारखंड। झारखंड का बॉर्डर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ शेयर होता है। इसका बॉर्डर उत्तर प्रदेश के साथ भी शेयर होता है। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। रांची झारखंड की कैपिटल है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें नंबर के सीएम है। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा सकता है। यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। झारखंड में छाऊ डांस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर छाऊ डांस परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर बेतना नेशनल पार्क है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी झारखंड में ही स्थित है। कंट्री में आज हम टर्की को डिस्कस करेंगे। यह है मैप में टर्की। टर्की की लोकेशन ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में टर्की की लोकेशन है। टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। टर्की का जो इस्तांबुल है वह यूरोप में आता है, इसलिए वजह से टर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। और टर्की का जो इस्तांबुल शहर है वहीं पर एक हाजिया सोफिया मस्जिद थी। हाजिया सोफिया नाम का जो म्यूजियम था अब उसे मस्जिद यानी मॉस्क्यू में कन्वर्ट कर दिया गया था। टर्की की कैपिटल है अंकारा। यहाँ की करेंसी टर्किश लीरा और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वह है रेसिप तैयब एर्डोगन। अब हम आज की जो करंट अफेयर्स से हमने क्वेश्चन पढ़े थे उनका रिविजन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था हमने एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने 4th वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। लोकसभा के सांसदों की वेतन में 30% की कटौती के लिए एक साल के लिए एक बिल पारित किया गया है। विश्व बांस दिवस को हमने 18 सितंबर को मनाया है। समान वेतन दिवस यानी इक्वल पे डे को भी हमने 18 सितंबर को मनाया है। अरुंधति रॉय ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है आज़ादी। महिला मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है गुजरात ने। गुजरात ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत में हैदराबाद पहले स्थान पर रहा है और हैदराबाद की ओवरऑल रैंकिंग रही है 85। सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया है मैक्सिको। मार्गरेट एडवर्ड को डेटन शांति पुरस्कार, डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अजीत डोवाल ने जो ब्रिक्स देशों की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई थी उसमें भारत की अध्यक्षता की थी। अब आपके लिए पिछली वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया था? तो अभी राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस को हमने 15 सितंबर को मनाया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।